महिलाओं का भी आया है, बढ़ता है वोट प्रतिशत बढ़ता है। आप खुद कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से कतारें लगी हुई है, इसका फायदा आपको है बीजेपी? देखिए लोकतंत्र को फायदा है। अच्छा चलिए महिला जी, जिन्होंने ये इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, हम बात करें एक देश एक चुनाव आराम से कर लेंगे। तो आपको अर्जुन राम मेघवाल को बता रहे थे, सुना रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम आभार भी जताए और जीत दर्ज करने का वादा भी किया गया। और ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिया कुमारी की भी तस्वीरें जब वो वोट कास्ट कर रही थी, और वसुंधरा राजे अब आपको थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाएंगे जब वो वोट कास्ट करके बाहर भी निकलेंगी। तस्वीरों के साथ साथ आपको वोट प्रतिशत भी बताना शुरू करेंगे। युवा शक्ति, मातृशक्ति, बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम पर वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है। कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो MLAs हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। अशोक गहलोत जी का कहना है 200 सीट पर हमारे चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। हाँ वो सही है, उनके चेहरे पर बाकी कुछ नहीं है और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका काम, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी कई जगह ऐसी है कि वोटिंग परसेंटेज गिराओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अलग अलग जगह पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, जो नागरिक कानून व्यवस्था को मानते हैं उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, यही उनकी स्ट्रैटेजी। आप सोच सकते हैं, परसेंटेज गिराना ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। और हम चाहते हैं कि हर वोटर जाए और जिसको वोट देना है आपके मन में जो पार्टी है दीजिए, तो आप फर्क यहीं देख लीजिए। हम चाहते हैं कि हर मतदाता वोट करे, वो चाहते हैं कि आप सब घर से बाहर ना निकले। सर सचिन पायलट कह रहे हैं बजरंग बली भाजपा की मदद नहीं करते। बजरंग बली अगर सचिन पायलट जी शरण में आएंगे तो बजरंग बली सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो लगातार जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं तो अलग अलग राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी लगातार लेते रहेंगे। दो खास मेहमान हमारे जयपुर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, मदन प्रजापत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत मदन जी आपका, और पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। हमारी पूरी टीम तैयार है आपसे सवाल करने के लिए, सवालों की बौछार करने के। पहला मेरा सवाल आपसे पंकज जी, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कांग्रेस चाहती है कि मतदान प्रतिशत कम हो ताकि कांग्रेस को फायदा हो। मैं आपको बता देता हूं, एक आपको एग्जाम्पल भी देता हूं, शायद आप को मालूम होगा लेकिन फिर भी बाकी दर्शकों के लिए, 2008 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो 66% मतदान हुआ, 2013 में जब बीजेपी की सरकार आई तो बढ़कर 75% मतदान हुआ था, 2018 में जब फिर कांग्रेस की सरकार आई तो मतदान प्रतिशत 74% हो गया था। इस आरोप पर जवाब दीजिए जरा। देखिए मुझे लगता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी हार से बौखला गए हैं, उनकी हार निश्चित है, क्योंकि पिछले 8 सालों में उन्होंने, पिछले 9 सालों से भी ज़्यादा वक्त में उन्होंने अपने क्षेत्र में जो कि जयपुर ग्रामीण है उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के विकास के लिए हो, जनता के हितों के लिए।
नहीं मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो सिर्फ उलझुल आरोप लगाने का काम करते हैं, ये झूठ और प्रोपोगेंडा की राजनीति करते हैं, सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं, वो ये नहीं बताते कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। तो ये केवल आरोप है, मिथ्या आरोप है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसका लोकतंत्र के बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, ठीक है उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन किया, हम सब उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको ऐसे बाकी सवाल करें आपसे पहले बता दीजिए, तो मतलब कांग्रेस